सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है कि मेकर्स रूबीना दलाई को विनर बनाने के लिए साजिश कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि रूबीना को विनर बनाने के लिए खेला गया नया दाव। वेल, आप लोगों को बता दें कि अगर रूबीना दलाई विनर बनती है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रूबीना दलाई के फैंस का हाथ होगा, मेकर्स का नहीं। ये भी बता दें कि ऐसी हेडलाइंस के पीछे वजह दी जा रही है मॉल टास्क। दर्शकों को जानकारी दे दें कि मॉल टास्क कोरोना वायरस की वजह से नहीं करवाया गया है। मॉल में कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये तो आप लोगों ने बीते सीजन्स में देखा है। इतने लोगों की जाने दांव पर लगाना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। और इसकी इजाजत भी मेकर्स को नहीं मिल पाएगी। खुद मेकर्स ये करेंगे ही नहीं। जी हाँ, कोरोना के चलते मॉल टास्क नहीं करवाया गया है और घर में लाइव वोटिंग होने वाली है। साथ ही घर वाले अपने फैंस से लाइव होकर इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। लाइव वोटिंग इसलिए रखी गई है ताकि लोग अपने अपने घर बैठकर अपने अपने पसंदीदा बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट को अपना समर्थन दे सके। इसलिए आप लोग इस तरीके की अफवाहों में ना पड़े। कोई साजिश, कोई दाव नहीं खेला जा रहा है। रूबीना अगर विजेता बनेगी तो वो इस वजह से क्योंकि रूबीना ने आप लोगों का दिल जीता है। और यही बात राहुल वैद्य पर भी लागू होती है। इसलिए आप लोग इन सब अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए लाइव वोटिंग में जोरों शोरों से हिस्सा लीजिएगा और साथ ही साथ कीजिए अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को खूब सारे वोट। फाइनल कॉल, एंटरटेनमेंट डेस्क।